जैसा मैंने सोचा है गंगा जी की मदद करने के बारे में, बस वो काम कर जाए। और अब समय आ गया है कि वो सच जान जाए कि वहाँ उनका कोई अपना नहीं है। मानसी, समय यहाँ अकेले क्यों आई है? इसे कुछ हो न जाए। आप इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपको डोरी की कोई खबर मिली? किसी को मत बताना नानी कि मैं डोरी हूँ। ना, कोई खबर नहीं मिली। आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही उसका पता चल जाएगा। लेकिन इस समय मुझे आपकी मदद की जरूरत है, गंगा जी को सब याद दिलाने में। नहीं, वो हमारा गंगा नहीं है, वो अग्नि है। अग्नि, वो गंगा जी ही हैं। डोरी के बाबा आपके नाती, इस समय बस उन्हें कुछ याद नहीं है और इस बात का फायदा उठाकर सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हमारी मदद की है। वो हमारा गंगा नहीं हो सकता। नहीं नानी, वो बाबा ही थे, उन्हें कुछ याद नहीं था। और कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूँ वो मेरे बाबा ही है। इन दोनों को इतना विश्वास है तो जरूर हमारा गंगा ही होगा। हम अपनी गंगा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बताइए क्या करें हम, बताइए। मुझे डोरी की कुछ चीजें चाहिए, कुछ भी दे सकते, कपड़े, उसके उसके खिलौने, कुछ भी। ठीक है, ला दो। कोमल, तुम होगी जेठ जी की पत्नी, पर वो तुम्हें अपनी पत्नी मानते ही नहीं है। और वैसे भी आनंद भाई साहब के पति पत्नी और वो मैं, तुम वो वाली थी, समझी? उनका पाप तुम्हारे पेट में पल रहा है, तो ये तो भूल ही जाओ कि इस घर में तुम्हें सम्मान मिलेगा। जूस में होश मत खो, हैं? नाटक कर नाटक, समझ में आया? चौदह टंकी ना, जो जायदाद में से तुमको 10% देने वाले थे ना, 5% भी नहीं देंगे। कोमल, तुम आकर कहीं भी रहो पर अपनी औकात में रहना, समझी? वरना तुम्हारी जो पोल पट्टी है ना, सबके सामने लेकर आ जाएंगे, समझी? अपनी आंखों से देख लिया ना आपने, कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी यहाँ पर। आपने हमसे क्या कहा था? इस घर में हमको इज्जत, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। ये सम्मान मिल रहा है हमको। देखिए, अगर आप अपने अपने जवान के पक्के हैं ना, तो आप ना अपनी सारी के सारी जायदाद हमारे नाम कर दीजिए, हमारे बच्चे के नाम कर दीजिए। आपको थोड़ी सी जायदाद मिल जाएगी तो घर में सब अपनी इज्जत भी तो कर लेंगे ना। तब और अब में बहुत कुछ बदल गया है नीलू। का? बहुत कुछ। पर हाँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पर जब तक मुझे ये याद नहीं आता कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त, मैं किसी के नाम पर कुछ भी नहीं करूंगा। और फिक्र मत करो, बहुत जल्द मुझे याद आ जाएगा कि यहाँ कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन।
और तब मैं अपनों पर जान लुटा दूंगा और दुश्मनों की जान निकालूंगा। इसी का डर है तभी तो इतनी जल्दबाजी मचा रहे हैं। बाकी हम कब मतलब तब तक कैसे थप्पड़ खाते रहे, चाटे खाते, जूते खाते रहे, बेइज्जती कराते रहे अपनी? मैंने सुना तुम गद्दीदार हो, एक साथ 100-100 बुनकरों को संभाल लेती हो, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ लोगी। और कभी ना कभी हर एक इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो प्रार्थना करो कि मुझे सब याद आ जाए, क्योंकि तब तुम्हारे हिस्से में जो आना है वो तुम्हें मिल जाए। किस बात पर मतलब ता भरोसा है कि इनको पता है कि यादस वापस आ जाएगी? कैसे? अब्बा न करे कि यादस वापस आ जाए, क्योंकि अगर नीलू इनकी यादस वापस आ गई ना तो दुश्मनों की सूची में हमारा नंबर सबसे पहला होगा। गंगा मियां बचा ले, ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कर लेती है तू ये सभा? रानी अपने बाबा को सब याद दिलाने के लिए ये करना पड़ा। अरे तेरे प्यार की कोई सीमा है कि नहीं? बाप अपनी बेटियों को जान कहता है, पर तू तो अपने बाबा को अपनी जान से ज्यादा चाहती है। अकेले सबसे लड़ पड़ी तू? भगवान है तेरा बाप जो उसे तुम जैसी बेटी मिली है। बाबा मेरे लिए भगवान से लड़कर आए थे नानी, तो क्या मैं उनके लिए दुनिया से नहीं लड़ सकती? और देखना, आपके सारे आंसू पोंछने के लिए बाबा जल्दी वापस आएंगे। ये देखिए, मेरे पास पूरे टुकराइन के खिलाफ सबूत है। अंगूठी, कंगन और फोन में वीडियो भी। अब मुझे भोला बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब अब मैं बाबा के पास उनकी डोरी बंद कर जाऊंगी और उन्हें ये सब दिखाकर सब याद दिलाऊंगी। तू कैसे ये सब कर लेती है नाज बेटी? मैं तो टूट गई, गंगा को जाकर चार बातें सुना आई, लेकिन तू हार नहीं मानी। लगी रही अपनी बाबा को सब कुछ याद दिलाने में। कहां से लाती है इतनी हिम्मत, इतना विश्वास? बाबा से वो साथ नहीं, पर उनके और मेरे दिल की डोर तो जुड़ी है ना। जब मैं मुश्किल में होती हूँ या डर लगता है, मैं बस बाबा को याद करती हूँ और मेरे में ढेर सारी हिम्मत आ जाती है। संकटा मैया करे, तेरे प्यार की डोर हमेशा बंधी रहे। मझली बहू आई थी बेटा, वो भी पूरी कोशिश कर रही है तेरे बाबा को सब याद दिलाने की। उस घर में सिर्फ वही है जिन पे भरोसा किया जा सकता है। हाँ, माँ जैसी आंटी जितना प्यार करती है मुझसे, ऐसा लगता है उनसे भी जरूर कोई पहले का नाता है। ये सब बातें छोड़ो नानी, अब मुझे जल्दी से अपने बाबा की डोरी बना दो। ये सब क्या? ये खास कमरा है। इस कमरे में आपको ना कुछ दिखाई देगा ना सुनाई, कहीं से भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा।
और आप अपना ध्यान उसी पर लगा पाएंगे जो आपको दिखता है। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको याद आएगा कि वहां क्या हुआ था। पर ये सब करने से कुछ याद आएगा, कुछ फायदा होगा मुझे? कोशिश करने का वादा किया है आपसे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके अतीत की झलक दिख जाए। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कीजिए आंखें बंद। अब भूल जाइए कि यहां कोई है, मुझे भी भूल जाइए और बस उस पल को याद कीजिए जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है। और इस बार जो आपको दिखाई दे उसे बोलिए। कुछ दिखाई दिया आपको? एक टोकरी में एक बच्ची रो रही है। कुछ महसूस हो रहा है आपको? उस बच्चे के रोने से मुझे अपनापन महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस आंगन से मेरी चिरैया छू ले नील गगन को, हो सारी दुनिया देखेगी अब उड़ने की इस धुन को। तुम्हारे मन का सब हो जाएगा, हो चांद भी चाहोगी तो आ जाएगा। एक प्यारी चकोरी आई है बाबा के घर, डोरी आई है बाबा के घर, डोरी आई है। नींबू बाबा कैसी लग रही हो नानी? एकदम ऐसी लग रही है, डोरी आई है। अरे क्या हुआ? तू इतना चिंता क्यों कर रही है बेटा? तेरी नानी के पास जड़ी बूटी तेल का पुराना फार्मूला है, एक महीने में मैं वो तेल लगाकर तेरे इतनी बड़े बड़े चोटी बनाऊंगी। हाँ सच्ची में नानी? हाँ बेटा सच्ची, कुछ ही दिन में तेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे। तब तक के लिए रुक। ये 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 याद है तुझे, तेरे बाबा ने तेरे लिए बनाया था, तब तक के लिए तू ये मेरी पुरानी डोरी लग रही है तू। ईश्वर तुझे हर नजर से बचाए मेरी बेटिया। जा बेटा अपने बाबा को ले, अपने बाबा को ले। आती हूँ नानी। अरे एक मिनट नास बेटी,
बाबा मैं आ रही हूँ, आपको सब याद दिलाना। सवालों की कटोरी है, किस्मत के धागों से बुनी, रिश्तों की ये डोरी है, रिश्तों की ये डोरी है। आप अपना मानते हो ना बच्ची को? हाँ। तो जाइए उसके पास और उठा लीजिए उसे अपनी गोद में। कैसा लग रहा है आपको बच्ची को उठाकर? बच्ची को उठाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी दुनिया अपने हाथों में उठा ली। बड़ी प्यारी बच्ची है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इसे बहुत गहरा नाता है। ऐसा नाता जैसे वो नाता भगवान ने जोड़ा और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत प्यारी बच्ची है। आज मैं बाबा को सब याद दिलवा दूंगी। उन्हें आज अपनी डोरी को पहचानना ही होगा, उन्हें मुझे अपनी बेटी मानना ही होगा। डोरी के सामान को छूने से गंगा जी को काफी साफ साफ दिखने लगा है। पक्का इन्हें जो बच्ची दिख रही है वो डोरी ही होगी। ये क्या हो गया? ये बच्ची ने रोना बंद क्यों कर दी? ए मुनिया, ए मुनिया, ए मुनिया, ये क्या हुआ इसे? मैं आ गई हूँ। आपकी डोरी आपके पास आ रही, आपको सब याद दिलाना। इस कंगन और इस अंगूठी से पक्का बाबा को सब कुछ याद आ जाएगा। याद कीजिए गंगा जी, पूरी कोशिश कीजिए। ये बच्ची रो नहीं रही है, ये कुछ बोल नहीं रही है, ये चुप हो गई। क्या करूं मैं? आप बचा सकते हैं इसे, जैसे आपने इसे पहली बार बचाया था। आपको याद आ जाएगा। मैं बचा पा रहा हूं। क्या करूं? ये बच्ची होश में नहीं आ रही है, मैं कैसे बचाऊंगा इसे? मैं इस बच्ची को अपने घर ले आया। वो अपने घर आई है, हमारे घर, वो हमारे घर आई है। मुझे बाबा के पास जाना है ताकि मैं बुरी ठकुराइन का सच दिखा सकूं उन्हें। इतना क्या सोच रहे हो? सब्र का फल। अरे हाँ। क्या भाई, हमारे पास सब्र नहीं है ना, इसीलिए। आम से याद आया, हमारे गांव में कहावत है कि इतना भी आम आदमी को नहीं बनना चाहिए, कोई अचार बना के चला जाए। अरे वाह, क्या बात है।
अब पीछे हटो, पीछे पीछे हो,